हाई गेमर्स वेलकम टू द हंडी गेमर चैनल, जहां हम बात करते हैं गेम्स ऑफ गेम पीसीज की। तो आपको इंटरेस्ट है गेम्स ऑफ गेम पीसीज में तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने एक सर्वे किया था और आप लोगों से पूछा था कि जो 3050 लॉन्च होगा एनवीडिया का वो कितने का बिकेगा। तो आप में से कई लोगों ने जिन्होंने 20,000 पे, जिन 22% ने 20,000 पे टिक किया है, उन पे सही में मुझे प्यार आ रहा है। आप लोग वो लोग हो जो चमत्कार पे यकीन करते हो कि कुछ होगा चमत्कार, बहुत सस्ते ग्राफिक कार्ड आएंगे, क्या जी धरती में पाप बहुत बढ़ चुका है, अब भगवान बस प्रकट होने ही वाले हैं। फिर 41% वो है जिनका तो मानवता से भरोसा ही उठ चुका है, वो तो कह रहे हैं कि 50,000 का बिकेगा 3050 जब सर्वे किया था। जिन 20% ने 30,000 पे और जिन 17% ने 40,000 पे टिक किया है, वो थोड़ा क्लोज है जो 3050 की प्राइस है। एक्चुअल में प्राइस आप जानती हो क्या चल रही है, समवॉट अराउंड 35,000 to 43,000-44,000। देखो वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि प्राइस तो कबाड़ा है, दिस इज द न्यू नॉर्मल। इसमें तो आप मतलब कोई वो बात ही मत करो प्राइस टू परफॉर्मेंस की, कि 50 सीरीज का कार्ड है ये 35 का मिलेगा, ये 40,000 का मिलेगा, अब ये न्यू नॉर्मल है और आपको इतने का ही मिलेगा। बात ये हो रही है कि अब 35,000 or 40,000 का भी आप ये कार्ड खरीदते हो तो ये गुड इनफ है। अब RTX 3050 को लॉन्च हुए एक महीना हो चुका है, मुझे भी एक वीडियो डालना था, मेरे पास कार्ड पड़ा हुआ है एक महीने से, वो मैंने नहीं डाला। मैंने सोचा ये वो कार्ड है जो ज़्यादातर लोग अब खरीदेंगे, इस बुरे माहौल में भी कम से कम मिलेगा और इसे खरीदेंगे, तो मैं इसके साथ कुछ टाइम गुजार लूँ, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या अच्छा लगता है ये जान लूँ। तो एक महीने मैंने पर्सनली इसे यूज़ किया 3050 को, अपने कंप्यूटर पर लगा के इस पर गेमिंग करी, एडिटिंग करी, और मैं आपके साथ वो एक्सपीरियंस आज शेयर करूँगा। और मैं यूज़ कर रहा हूँ जो 3050 है वो ZoTech गेमिंग का ट्विन है, GeForce RTX 3050 है। ZoTech की तरफ से आप जानते हो आपको करीबन 5 साल की आपको वारंटी मिल जाती है ये, लेकिन आपको रजिस्टर कराना पड़ता है, सबसे बड़ी वारंटी मिलती है। और इस तरह का ग्राफिक कार्ड मोर देन इनफ है जो ट्विन फैन में आता हो। अब तीन फैन का ऐसे में क्या काम है, लेकिन आप वही वाली बात है, मैं भी जब RGB का ज़माना चल रहा है तो आप शोशा के लिए 3 फैन वाला खरीद सकते हो, लेकिन वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा, इससे अच्छा तो वो RGB में पैसे लगा दो। लेकिन हाँ, ये ट्विन फैन मोर देन इनफ है, 1 फैन का भी आप लेते हो तो भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन वही वाली बात है, थोड़ा सा डुअल फैन वाला अच्छा लगता है। और आप अगर 35,000 का कार्ड खरीद रहे हो और 1 फैन वाला ले लेते हो, परफॉर्मेंस उसकी भी बहुत अच्छी जाएगी, बस वही है शोशा के लिए आप ले लो और थोड़ा साइलेंट तो चलेगा ही, और 3 फैन वाला ले लोगे तो बिल्कुल ही साइलेंट चलेगा, लेकिन 2 फैन वाला मोर देन इनफ है, इसमें 3 फैन की जाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, जो सवाल मैंने उठाया था वीडियो की शुरुआत में कि क्या ये ओके है, तो ओके तो ये है अगर आप 1080p की गेमिंग करना चाहते हो, और तो ये आपको हाई सेटिंग कई गेम्स में मैक्स अल्ट्रा सेटिंग्स पे आराम से गेमिंग करवाएगा, 60 FPS मिलेंगे कई सारे लेटेस्ट गेम्स में। और मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने ZoTech का ग्राफिक कार्ड है इसको बेंचमार्क करने के लिए चलाने को तो मैं 5950X भी चला सकता था, कोई मतलब है 3050 का 5950X चलाने का, कोई मतलब नहीं। चलाने का मतलब तो इसका वैसे R5 और i5 के साथ है, लेकिन फिर भी मैं उसके नीचे चला गया। आपको बेंचमार्क देखने हैं, दुनिया भर में 85 बेंचमार्क आपको अवेलेबल है, वो आप जाके देख सकते हो। लेकिन मैंने क्या किया, इसे बहुत ही सस्ते 3200G पे चलाया। मैं से चाहता था ये बॉटलनेक को, मैं चाहता था कि ये 20-30 हज़ार का जो कंप्यूटर बनता है उसी के हिसाब से ये ग्राफिक कार्ड आया है, क्या ये साथ निभा पाता है। वैसे बॉटलनेकिंग तो आप जानते ही हो कि 3200G काफी बॉटलनेक कर रहा होगा, लेकिन मैंने सारी बेंचमार्किंग इसी पे नहीं करी। मैंने जो है इसको 3200G पे तो बॉटलनेक हो रहा था, वो मैं देखना चाहता कि 20-30 हज़ार वाले कंप्यूटर पे कैसा परफॉर्म कर पाएगा RTX 3050। फिर बाद में मैंने इसे जो है बड़े CPU पे भी लगा दी, R5 3600 के साथ इसकी जोड़ी बनवा दी, 16 GB की इसे VRAM दे दी। 16 GB की VRAM तो मैंने 3200G के साथ भी दी थी, मतलब नहीं बनता वहाँ पे 8 GB की, क्योंकि 3200G बहुत ज़्यादा बॉटलनेक हो जाएगा। AMD की आप जाते हो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस हिट होती है अगर आप डुअल रैम नहीं लगाते हो। तो फिर मैंने R5 3600 के साथ भी किया तो भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इसके साथ, और मैंने बढ़िया जो है FPS आगे जो बताऊंगा आपको मैं वीडियो में वो मिले हैं मुझे। ये जजो परफॉर्मेंस है इसकी, जो ये अच्छा परफॉर्म करता है, वो उसकी 8 GB की DDR6 जो VRAM है उसकी वजह से है, वो अच्छी खासी है। 8 GB VRAM आपको चाहिए ही चाहिए। यहीं पे जो है दूसरे कार्ड जो AMD की तरफ से लॉन्च हुए हैं 4 GB की VRAM जो है वो सही में खतरनाक है। बेचारे जो 1060 3GB पे आज भी हैं उनसे पूछो जाके उनका दर्द क्या है। जब वो लॉन्च हुआ था आज से करीबन ये 5 साल पहले, तब हम उसके बारे में बात कर रहे थे कि तब तो चल जाएगा लेकिन बाद में दिक्कत होगी। आज वो बहुत दिक्कत वाला कार्ड है, लेकिन उससे कोई कंपैरिजन नहीं है 3050 का। ये तो रे ट्रेसिंग वाला RTX की कैटेगरी वाला ग्राफिक कार्ड है। कायदे से 50 सीरीज के कार्ड पे RTX रे ट्रेसिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस पे है, वो भी अच्छी परफॉर्मेंस देती है, और DLSS जो है वो आपका सपोर्ट करती है एक्स्ट्रा फ्रेम रेट्स में,
और भविष्य के लिए अगर आप ले रहे हो, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप लेते हो 3050 जैसा कार्ड तो आपने कोई गलती नहीं कर दी। हाँ, पे थोड़ा ज्यादा कर रहे हो आप, जो कि न्यू नॉर्मल हो चुका है, लेकिन गलती नहीं हो गई, फ्यूचर प्रूफ है। अगर कई रे ट्रेसिंग वाले गेम्स आएंगे तो आप इस पे ओंगी पोंगी रे ट्रेसिंग चला सकते हो। गेमिंग के साथ साथ मैं बेंचमार्क की बात करूंगा FPS में, मैं लेकिन एडिटिंग की भी बात करना चाहता हूं। एडिटिंग के लिए मैंने इसे यूज किया, RTX 3050 जैसा। अगर आप एडिटिंग रिग बना रहे हो और यूट्यूबर बनना चाहते हो, गेमिंग भी करना चाहते हो और एडिटिंग भी करना चाहते हो, तो इसकी जोड़ी बहुत बढ़िया रहेगी i5 या फिर R5 के साथ। लेकिन ये मैं बात कहना चाहूंगा, R5 का मतलब ये नहीं हो गया कि R5 3600। अगर आप R5 3600 जैसा चलाते हो, वो बॉटलनेक करेगा एडिटिंग के अंदर। जब आप रेंडर कर रहे होगे तब 3050 के साथ वो पूरा नहीं निभा पाएगा, ये गारंटी की बात है। आपको इसके लिए इंटेल की तरफ से आने वाला लेटेस्ट i5 12400F ये ले सकते हो आप, या फिर R5 जो नए वाले आ रहे हैं, जरूरी नहीं है 5600 ही खरीदो आप, 5600X जमाने से ही है, जरूरी नहीं है 5600 खरीदो आप R5, आप 5500 जैसा भी लगा सकते हो इसके साथ एडिटिंग करने में। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप रेंडर आउट कर रहे होते हो वीडियो, आपका जो ये मैं आपको एक नॉलेज दे रहा हूं इस वीडियो के थ्रू, जो प्रीमियर का वर्जन है, वर्जन 14.2 के ऊपर, उसमें जो है ग्राफिक कार्ड जो GPU है वो रेंडर होने में जो हार्डवेयर एनकोडिंग होती है उसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर आप बड़े से बड़ा CPU भी लगा लोगे 5950X जैसा, वो भी उतना साथ नहीं निभा पाएगा जितना एक बढ़िया GPU 3050 जैसा साथ निभा देगा और रेंडर आउट आपका तेजी से कर देगा। इसलिए एडिटिंग के लिए भी मुझे RTX 3050 बहुत अच्छा लगा। अब ये कायदे से तो लॉन्च होना चाहिए था वो 22-25 हज़ार, वो तो कॉस्ट नहीं है, सीधी बात ये जो मार्केट में मिलता है वो प्राइस है, बाकी किसी के कहने से कोई मतलब ही नहीं है, कुछ है ही नहीं मतलब जो मिल नहीं पा रहा। जितने आपको पैसे देने पड़ रहे हैं वो प्राइस है ना प्रोडक्ट की, तो जितनी प्राइस का ये आपको मिल रहा है उसके हिसाब से सेटिस्फैक्टरी कार्ड है। दूसरा, AMD इंटेल की तरफ से कुछ खास आने वाला नहीं है इस कैटेगरी में, इतना सस्ता कुछ नहीं आएगा। इंटेल की तरफ से जब ग्राफिक कार्ड आएंगे तब की तब देखी जाएगी कि लंबे टाइम तक इतना सस्ता कुछ नहीं आने वाला। अगर इंटेल जैसी कंपनी भी कुछ लॉन्च करेगी तो बहुत मुश्किल है कि वो सस्ती सीरीज अपनी लॉन्च करे, वो भी AMD और इंटेल की तरह ही, वो भी AMD और NVIDIA की तरह ही महंगे प्रोडक्ट्स पहले लॉन्च करेंगे, सस्ते प्रोडक्ट्स उनके बाद में आएंगे 6-8 महीने बाद। ये कार्ड मैं आपको बताऊं, जैसे इसकी कंपैरिजन करी जा रही 6060 और 6060 Ti से, कोई मतलब नहीं है। मैं आपको हमेशा एक सलाह देता हूं, कोशिश यही करो आपके जो ब्रांड न्यू प्रोडक्ट आया है उसी पे जाओ, जो नई टेक्नोलॉजी उसी पे जाओ। इस पे आपको ब्रांड न्यू AI की टेक्नोलॉजीज मिलेंगी जिस पे NVIDIA भयानक काम कर रहा है। आप सिर्फ गेमिंग वगैरह की बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे सिर्फ एडिटिंग की बात करते हैं, कई ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर से AI डेवलप हो चुके हैं जिनको यूज करने के लिए आपको लेटेस्ट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी और बहुत मजेदार है। इसका एक एग्जांपल दूंगा, मैं आजकल खेल रहा हूँ, NVIDIA का एक सॉफ्टवेयर है कैनवस, आप भी डाउनलोड कर लो, बिल्कुल फ्री है। उसमें आप जाके देखो AI में कैसे आप पेंटिंग बना सकते हो, बिना कुछ करते रियलिस्टिक पेंटिंग्स बना सकते हो आप, उल्टे सीधे, मतलब आप कलाकार नहीं हो तो भी बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स बना सकोगे। मैं उसका लिंक दे दूंगा, वो जरूर चेक करना आप, एक वीडियो का भी लिंक दूंगा, वो पूरा वीडियो आपको बता देगा कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। इन सब AI वाली टेक्नोलॉजीज के लिए आपको RTX की जरूरत पड़ेगी। मैंने कुछ गेम्स में से चलाया था, Far Cry 6 वगैरह जो है 85 एवरेज आराम से मिल जाता है, 82-85, और जब रे ट्रेसिंग भी आप ऑन कर लेते हो तो 60 के ऊपर रहता है, DLSS उसमें मदद कर देता है। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे कि मैंने Assassin's Creed से ऐसे गेम्स में से चलाया तो मैं इसको बॉटल लेग ही करना चाहता था, इसका जूस निकालना चाहता था, मैं चाहता था ये 3050 जैसा ग्राफिक कार्ड है ना, ये अपनी लिमिट्स टच कर ले और मुझे 60 FPS ना दिखा पाए, तो मैक्सिमम सेटिंग जो अल्ट्रा सेटिंग्स होती है मैंने उस पर चलाया तो उसमें 60 के नीचे चला गया ये Assassin's Creed जैसे गेम में, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं। लेकिन वो मैं इसको हरा नहीं चाह रहा था, ज्यादातर गेम्स में जो खेलता हूं वो मतलब बड़ा ग्राफिक कार्ड है तो मैं एक बार को ध्यान नहीं देता, अल्ट्रा सेटिंग्स कर दी, वरना आप भी जानते हो कई बार ये डिस्कस हो चुका है इस वीडियो चैनल पे भी कि हाई सेटिंग्स और अल्ट्रा सेटिंग्स में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, और ग्राफिक कार्ड जो होता है उसमें जोर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर आप अल्ट्रा सेटिंग्स में चलाते हो, तो आप हाई सेटिंग्स में चलाओ तो आपको 60 FPS मिल जाएगा लेटेस्ट गेम्स में भी। जैसे शैडो ऑफ द टूम रेडर को मैंने चलाया, 60 FPS आराम से मिल गए, खैर वो पुराना भी गेम होता जा रहा है ये भी याद रखना है, लेकिन रे ट्रेसिंग के साथ चलाया मैंने, और आप ये भी याद रखो ये 50 सीरीज का ग्राफिक कार्ड है, इसे तो बेकार होना ही होना है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा साथ निभा रहा है और मोर देन इनफ है। मैं इस पे आराम से, अगर आप मेरे से बाकी कार्ड ले लो मुझसे कहो 1080p पे ही गेमिंग करनी है, मुझे कोई दुख नहीं होगा। दूसरी बात, आपका जब बजट ही यही है 30-40 हज़ार वाला ग्राफिक कार्ड खरीदने का, तो आप मॉनिटर कोई बहुत हाई फाई नहीं लेने वाले, आप 4K मॉनिटर नहीं ले रहे हो, आप 1080p वाला मॉनिटर ही ले रहे हो जो 60 FPS पे आप गेमिंग करोगे, 60 Hz का आपका मॉनिटर है, तो उसके लिए बेस्ट है ये ग्राफिक कार्ड।
लेकिन अगर आप 1440p जैसा मॉनिटर अगर आपके पास है या लेना चाह रहे हो आप, तो उस पर भी गेमिंग हो जाती है, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि अब ये जो है आपको सेटिंग्स लो करनी पड़ेंगी अगर 60fps पे आपको खेलना है। 1440p की गेमिंग कराने के लिए भी रेडी है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। जब 1080p पे बढ़िया गेमिंग करा दी अल्ट्रा सेटिंग्स पे, 55 दे ही रहा है नए गेम्स में भी, तो 1440p पे गेमिंग करवा देगा। ये सेटिंग्स नीचे करनी पड़ेंगी, मीडियम मीडियम पे जाना पड़ेगा आपको। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या आपको 1050 Ti, 1650 Super इन जैसे ग्राफिक कार्ड्स खरीदने चाहिए, इनकी तरफ देखने चाहिए? ये भी मार्केट में अवेलेबल है, 3050 भी अब मार्केट में अवेलेबल है। देखो एक बात तो आप समझो कि इन सारे कार्ड्स के जो नाम लिए हैं 1050 Ti, 1650 Super, इन सब के ऊपर कोर काउंट तो बहुत हाई है RTX 3050 का, इसलिए ये दे पा रहा है। दूसरा इस पे RTX भी है, वो नॉन RTX कार्ड है, उनमें रे ट्रेसिंग का कोई खेल नहीं है, AI का आप कुछ भी नहीं कर सकते हो उन पे, इस पे कर सकते हो। दूसरा अब मुद्दे की बात ये आती है, मतलब उसके ऊपर कोर काउंट अगर ज्यादा है तो इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा है तो उसके आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो, तो 3050 थोड़ा बहुत जस्टिफाई होता है उनके ऊपर। लेकिन अगर आप कहते हो कि 3060 वगैरह के मुकाबले में, मुद्दे की बात एक ही है कि आप 3060 नहीं खरीद सकते हो, इसलिए आप 3050 खरीद रहे हो। और फिर मुद्दे की बात यही आ जाती है कि आप 3050 नहीं खरीद सकते हो 35,000 का, इसलिए आप जो है 25,000 के 1650 या फिर 21,000 का 1050 Ti देखने जा रहे हो। मुद्दे की बात यही है, पैसे नहीं। बाय द वे Zotac Gaming RTX 3050 Twin Edge वाले मॉडल का अगर आपको देखना हो कि कितनी प्राइस चल रही है, लिंक वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूं IG, आप देखते हैं, मिलता हूं गुड वीडियो में, तब तक गुड बाय, टाटा।